वेलकम टू ट्रैवलिंग रॉक। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ लेमन ट्री होटल नियर टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लेमन ट्री होटल वन ऑफ द बेस्ट है, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम लेमन ट्री होटल की फ्रेंचाइजी में स्टे कर चुका हूँ और ये इंटायर वीडियो में मैं एक्सप्लोर करूँगा लेमन ट्री होटल का स्पेशल सूट, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर और ये टोटल वन नाइट स्टे का प्राइस मैंने पे किया है 11,000 INR। So, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये है बेसिकली होटल की एंट्री। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी रूम। ये है हमारा बेबी। हमें जाना है ऊपर। लिफ्ट खुल गई। बिना की लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। टच करके फिर बटन प्रेस करना है। ये हूँ मैं, ये मेरी बीवी और ये हमारा बच्चा। मियाँ बीवी बच्चों सही। MBBS सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। बेसिक रूम कैसी होती है वो बताना है मुझे आपको। बहुत बड़ी होटल है। हम थर्ड फ्लोर पे हैं। कितने फ्लोर है इसके वजह से? पांच फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब बहुत सारे होटल्स हैं, रूम्स हैं। सॉरी, ये है बेसिकली रूम। हम लगाएंगे की। और इंटर यहाँ पर एक लगेज रखा है। यहाँ पर भी लगेज का ड्रावर है। तो उसके बाद यहाँ किंग साइज बेड है जो कि काफ़ी बड़ा है। ये रूम खूबसूरत सी रूम है। पहले मैं बता देता हूँ आपको वॉशरूम। सो ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, क्लीन। यहाँ पर आप ब्रश कर सकते हो, वहाँ नहा सकते हो। फिर उसके बाद रूम का एक बेसिक फीचर दिखाता हूँ मैं आपको। एयरपोर्ट से बहुत ही करीब है, मतलब रोड के उस साइड में एयरपोर्ट है और वो प्लेन भी खड़े हैं, देख पा रहे हो आप। टर्मिनल 1 और 2 बहुत ही पास है यहाँ से, और 3 टर्मिनल 1, 2 और 3 जस्ट ओनली 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सो ये है लेमन ट्री की रूम। इसका बेसिक टैरिफ था 18,000 INR, बट मैंने booking.com से किया है ये बुकिंग, तो मुझे मिला है ये रूम 11,683 INR में। सो booking.com पर काफ़ी सारे कूपन्स अवेलेबल होते हैं, तो वो कूपन यूज़ करके मैंने ये रूम बुक की थी वन नाइट के लिए। ब्रेकफास्ट एरिया, चेकआउट करके जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट। दिस इज माई लगेज। ये गाड़ी बुक की है मैंने रिद्धि रिसेप्शन से। इनोवा बुक करते हो आप तो 924 INR लिए उन्होंने। ये है रिसेप्शन। सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। नहीं सर, कोई दिक्कत है, पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं, पास में ही है। ये होटल का ही गाड़ी है? हाँ सर, सब होटल की कैब। सर GST भी लगाते ना उसमें। अच्छा, पहले चलते थे सर बाहर की जो अशोका वाला अगर जिन जो वेंडर की कार होती थी ना, हाँ वो चलती थी सर। फिर अब उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ले रखी सारी सारी। अच्छा अच्छा अच्छा
बड़ा है लेकिन लेमन ट्री। हाँ ठीक है, ठीक है। आज हमारा मूड खराब हो गया, नींद आ रही थी, उसको कब से सोना है, बहुत कुछ हैपनिंग दिख रहा उसको यार। नहीं जल्दी उठ के होंगे ना, सब बच्चों को सोते ही जो थोड़ा सा सजेस्ट करते रहेंगे। फ्लाइट तो कहाँ 3 बजे इंटरनेशनल है ना फिर? नहीं नहीं डोमेस्टिक, हम इंटरनेशनल से आए। अच्छा डोमेस्टिक में जाना है। किस तरह की? इंडिगो। आप चेक कर लीजिए टर्मिनल 3 है पक्का? हाँ वो दो इस पे तो 3 दिखा रहा है। नहीं औरंगाबाद, महाराष्ट्र से है। मुझे एक बात पूछना था, हमने यदि टैक्सी बुक किया तो ये टैक्सी पिकअप यहाँ करने आती है क्या यहाँ पर? नहीं हाँ यहाँ पे आपको नीचे आएगी, यहाँ पे अराइवल पे है ना, गाड़ी नहीं आएगी आपको, हम गाड़ी वहाँ पे खड़ी करेंगे लेवल 1 पे। अच्छा फिर वहाँ से आपको पिक करने आएंगे। अच्छा यहाँ पर आएगी नहीं? नहीं सर यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं पहले आती थी लेकिन अब जीएम वालों ने मना कर रखा है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे सिर्फ जैसे काली पीली होगी और आपकी और ये इसके मीरू वालों की इनका जो काउंटर लगे हुए हैं ना उन्हीं की वहाँ पे कैब्स जाती है। ओके
बाकी ओला उबर का भी इसके अंदर ही उसमें पॉइंट दे रखा है। पहले चले जाते थे लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया क्योंकि बहुत सब लोगों ने वहीं खड़े कर देते थे, जगह भी भीड़ हो जाती थी। एक साल पहले आए थे तो यहाँ आई थी टैक्सी, वो सब जाती थी कोविड के टाइम से था, उसके बाद से धीरे धीरे पूरा चेंज कर दिया। तो पहले हम लोग क्या करते थे जैसे बोले ना ऐसे पिकअप किया निकल जाते थे, क्योंकि अब फिर गेस्ट को उनको फिर यहाँ आना पड़ता है।